अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आप देख रहे होंगे कि अरे ये तो वही घर है जहाँ पर हम रहा करते थे। जी हाँ, ये वही घर है जहाँ हम रहते थे। तो ये जो ब्लॉग है ये अम्मी के घर, जब हमने अम्मी का घर छोड़ा तो ये उस दिन का लास्ट ब्लॉग है, लास्ट वीडियो जो हमने अभी तक आपके साथ शेयर ही नहीं किया था। तो हमने कहा अब वक्त आ गया है कि इसको शेयर कर दे, क्योंकि जो चीज़ें, मतलब हमने मकान जब खाली किया तो जो चीज़ें हो रही थी तो हमने कहा फिर वो लेट हो जाएंगी और ये वाला ब्लॉग तो फिर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आई हैं मरियम की मम्मी, और मेरा दिल कर रहा था कि आज जो है अपने आँखों में लाओ काजल लगा कर देखें। और यहाँ पर जो है ये अम्मी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी, जो मेयो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब की है, तब की वीडियो है। तो अम्मी के बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, तो इनको जो है मरियम की मम्मी ने नहला धुला दिया था, और उसके बाद इनके बाल जो है थोड़े जब ड्राई हो गए तो नीचे वेदर मतलब बहुत गर्म थी लेकिन ऊपर बारिश का माहौल बना हुआ था, हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने अम्मी को बुला लिया। तो अम्मी जो है ऊपर आ गई थी, उसके बाद कहा कि अम्मी का कंघा कर दिया जाए। तो अम्मी का वही कंघा हो रहा है, वहाँ पर लेटे रहने की वजह से हॉस्पिटल में मम्मी के सारे बाल जो थे वो आपस में उलझ गए थे। तो बस हमने सारा सामान भेज दिया है और वक्त आ चला है कि अब हम भी जो है मैके को टाटा बाय 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 करके अब अपने जो है नए घर में जाया जाए। तो बस जाने से पहले मम्मी के साथ और छोटी बहन के साथ कुछ हसीन यादें लेकर जाना चाह रहे थे। और यहाँ पर जो है इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मरियम की मम्मी ने, इन्होंने जो मेरे कपड़े थे जो बारिश में भीग गए थे, हम वहाँ रुक गए तो उसके बाद इन्होंने सारे खोल खोल कर फैला दिए और हंस रही हैं क्योंकि क्या कर सकते थे। उसके बाद फिर ये नए घर का ब्लॉग है। तो ये जो है यहाँ पर जब हम बाहर निकले तो देखा बहुत भीड़ थी, तो फिर जो है पता चला कि किसी का इंतकाल हो गया था, उन्हीं के जनाजे की नमाज के लिए लोग इतनी ज़्यादा तादाद में थे, और कोई खातून थी उन्हीं का इंतकाल हुआ था, बुज़ुर्ग थी। तो यहाँ पर जो है पूरा पार्क जो है नमाज में, मतलब पूरा पार्क भर गया था और सभी जो है जनाजे की नमाज में थे, और उसके बाद नमाज हो गई और जनाजा चला गया था, उसके बाद माहौल जो है बारिश वाला हो रहा था। तो बस बारिश जो है धीरे धीरे जो है होने लगी, फिर तेज़ हो गई, तो और सच में इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब की तो बारिश जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हुई नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस सूखा ही पड़ जाएगा। अगर एक दिन बारिश होती है तो फिर 15 दिन जो है बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता है, इतनी तेज वाली बारिश हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज जो है 10 मुहर्रम है और देखिए कितनी अच्छी वाली बारिश हो गई है आज हमारे यहाँ। आवाज़ सुन रहे होंगे आप बारिश की, तो लेटे हुए थे लेकिन दिल किया, एक मिनट, तो दिल किया कि जो है बस ये वाली जो बारिश हो रही है चलो आप सबके साथ जो है शेयर करते हैं, है ना, बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। और मेरे कैमरे में जो है ब्लर ब्लर हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। और सभी जो है इस बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे, जहाँ मतलब इस शहर के अंदर जहाँ बारिश हो रही है, रहते रहते से रोशनी कम हो जा रही है। तो बारिश जो है अब इधर से जो है बना रहे हैं ना, जब शूट कर रहे थे तो सही आ रहा है, बारिश हो रही है, और उधर से शूट कर रहे थे तो सब कुछ ब्लर ब्लर हो जा रहा था। हम आपको एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची दिखाते हैं जिसने अम्ब्रेला ले रखा है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत तेज़ हो गई है, वो देखिए सामने क्यूट सी बच्ची है, उसका अम्ब्रेला कितना क्यूट है, देख सकते हैं ना। और अब ये वाली बारिश जो है ना ये होती रहेगी, ये खूब होएगी, खूब होगी, अब शाम तक होगी। तो बारिश तो हो गई खूब झमाझम, अभी हो रही है और खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। और आज बारिश हो गई है 10 मुहर्रम को,
तो अब देखिए जो है कब बारिश होती है तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हुई है, और यहाँ पर जो दिल कर रहा था नहाने का, लेकिन वही है ना कि साइनस वाली दिक्कत है तो नहा नहीं सकते, वरना फिर तो है काम लग जाएगा। तो बारिश के बाद जो है ये मग़रिब का टाइम है और अब रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया है, क्योंकि 10 मुहर्रम में जाहिर सी बात है कि 9-10 का रोज़ा रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है दस्तरखान पर रोज़े की अफ्तार की दस्तरखान के लवाजमात से भरी पड़ी है। आइए आप सब भी देर में पूछ रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं, आइए आप सब भी रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। तो रोज़ा खोलने के बाद क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो फिर चाय बनी अदरक वाली और साथ में थे ब्रेड मक्खन। तो हम लोगों ने यही इंजॉय किया और ज़िया गए थे 10 मुहर्रम देखने। तो वहाँ पर जो है हमारे यहाँ बाराबंकी शहर के अंदर खूब ज़्यादा जो है देखिए जुलूस निकला हुआ था, ताज़िया वगैरह जो है जा रही थी, तो ज़िया जो है वहाँ से शूट करके लेकर आए थे। और उसके बाद फिर ज़िया 11 मुहर्रम को देवा भी गए थे, उसकी भी क्लिप ज़िया शूट करके लाए थे जो आप आगे देखने आप देखेंगे। तो जी आप देवा की दरगाह पर हैं अस्ताने पर, और वहाँ पर जो है जा कर के दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो हम भी किसी दिन जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी बहू बार बार कह रही है अम्मी चलिए हमें देवा शरीफ लेकर चलिए। तो हमने कहा ठीक है किसी दिन चलते हैं और आपको भी आगे देवा शरीफ में होने वाली कवाली सुनाते हैं। तो ज़िया ने जितना भी शूट किया वो हमने आपके साथ शेयर किया है, और बस मेरा भी अब मूड बन चुका है वॉइस ओवर करते हुए कि हमें भी देवा जाना है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जाएंगे। आई होप आज का जो ब्लॉग है आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी जो है अपलोड करेंगे, और फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार फिर से कह रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।